कारखाना बाजार चौराहे इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को दुकानदारों और व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बीच में ही कार्रवाई रोकनी पड़ी। नगर निगम और प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स के साथ बाजार पहुंची तो व्यापारी और दुकानदार सड़क पर उतर आए, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यापारियों ने इस कार्रवाई को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ चालान कटा जाए, लेकिन सीधे तौर पर दुकानों का सामान उठाकर नगर निगम के वाहन में भरा जा रहा है। व्यापारियों ने कहा, अधिकारी मनमानी तरीके से व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। बता दें कि बाजार इलाके में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर नगर निगम और प्रशासन के पास शिकायत पहुंची थी, जिस पर प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त टीम बाजार क्षेत्र में सड़कों से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन तभी व्यापारियों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। बिना कार्रवाई के ही टीम को वापस लौटना पड़ा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। व्यापारी ही मंडल वाले ही गए थे व्यापार करने प्रशासन के पास कि अतिक्रमण हटाओ। अब जब प्रशासन आज अतिक्रमण हटाने के लिए आया है तो यही विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि इनका डबल राजनीति क्या है। अगर कदम के विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और गए थे प्रशासन के पास विरोध हटवाने के लिए तो क्यों गए थे? और इन्हीं व्यापार मंडल वालों ने व्यापारी नहीं अपनी दुकान के आगे 60% ठेले वाले और ये सब बाहर वाले हैं, फड़ वाले स्थानीय कोई भी नहीं है। और हमारी हमेशा मांग रही है प्रशासन से कि इनका सत्यापन हो, इनकी पूरी जाँच होनी चाहिए, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं। और रोड इतनी ज्यादा गिरी, दुकान वालों ने अतिक्रमण इतना ज्यादा कर दिया है और ऑटो वाले, रिक्शा वाले और स्कूटर वाले सब वो आ रहे हैं। मतलब इतना कंट्रोल होना चाहिए। 10 बजे से आए हुए हैं, यही फंसे हैं अभी तक। हमसे जितनी जल्दी शॉपिंग हो जाए उतने अच्छा है। मैंने तभी कहा व्यापार मंडल के ही जो हमारे नेता हैं, हमारे मित्र लोग हैं, उनसे मैंने कहा आप लोग भी सहयोग करें प्रशासन का कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अपने आगे ठेले लगाते हैं इत्यादि लगा के पैसे की उगाही कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित। थोड़ा सा उनमें इस बात को था कि त्यौहार का सीजन है तो उसको लेके अभी जो प्रस्तावित हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट मैम और हम नगर निगम मिल करके कल एक मीटिंग करेंगे 11 बजे व्यापारियों को साथ में लेके। और कल से ही अभियान अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा था तो इसका एक ही उद्देश्य था कि रोडों पर लोगों ने बहुत सारा अपना सामान रखा हुआ है, बिल्कुल भी चलने की जगह मार्केट में नहीं है। त्यौहार का टाइम है, अगर कहीं आग लग जाती है तो हमारी फायर ब्रिगेड भी नहीं निकल पाएगी, इसलिए अभियान